दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल गोल के बारे में और जो फाइनेंस का जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, फाइनेंशियल गोल दोस्तों एक तरह का एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव है, जो हेल्प करता है बिजनेस को उसके गोल को अचीव करने में थ्रू फाइनेंशियल एक्टिविटी से। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, चलिए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं फाइनेंशियल गोल क्या होता है। पहला होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, इंश्योरिंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट मार्जिन बाय मैनेजिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। इसमें दोस्तों ये होता है फाइनेंस का सीधा साधा गोल होता है कि हम अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करें। फाइनेंशियल मैक्सिमाइजेशन का होता है मतलब कि यहाँ जो भी कंपनी का प्रॉफिट हो उसको इंक्रीज करे थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर इट्स शेयर होल्डर। दिस गोल इज एम्फसाइज लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी रेदर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि अपने वेल्थ को मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने में पूरा पूरा मदद करता है हमारा जो फाइनेंशियल गोल होता है। ठीक है, हमारा गोल ही यही होता है कि हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं उनको हम प्रॉफिट दें ताकि हमारा बिजनेस डे बाई डे इंक्रीज होते जाए। शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होता है मतलब आगे जाके फ्यूचर में हमारा बिजनेस काफी बड़ा बने, शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस इसमें नहीं रहता। तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे असेट का कैश का मैनेजमेंट, मेंटेनिंग सफिशियंट कैश फ्लो टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड अवॉइड इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि हमको इतना फाइनेंस पे कंट्रोल रखना है अपनी कंपनी में, इतना फाइनेंस तो जरूर रखना है कि हम अपना डे टू डे एक्टिविटी या जो भी शॉर्ट टर्म हमारा खर्चा है उसको हम मीट कर पाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो हमारे खर्चे हैं उसको हम पूरा कर पाए ताकि हमारा जो कंपनी में स्मूथली रन कर सके और ऑपरेट कर सके हमारा बिजनेस। इससे किससे होगा, ये फाइनेंशियल हमारा यहाँ पे कंट्रोल से ही होगा और फाइनेंशियल गोल भी हमारा यही कहता है कि हमको लिक्विडिटी मैनेजमेंट यहाँ पे करना है। ठीक है, चौथा जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो लिखा है यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कॉस्ट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। दिस इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एंड मैनेजिंग एक्सपेंसेस इफेक्टिवली। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको इफेक्टिवली अगर यूज करेंगे, ठीक है, मतलब उसको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपका कॉस्ट होगा वो जाहिर सी बात है कम आने वाला है। सपोज दैट कोई भी एक काम करने के लिए एक्स वाई जेड किसी कंपनी में मोबाइल ही बनाने के लिए अगर 10,000 का खर्चा आ रहा है दो रिसोर्स से, ठीक है, अगर वो रिसोर्स इफेक्टिवली चल रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे मैन पावर और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो सपोज दैट वो डाउन होकर 9,000 भी आ सकता है, तो उससे हमारा जो फाइनेंशियल कॉस्ट होगा वो इम्प्रूव भी होगा कंपनी का और उसमें और भी ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चौथा और पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो आपको क्या करना है, आपको एक डिफरेंस बना के रखनी है कि आपको डेप्ट कितना है आपके कंपनी के ऊपर, इक्विटी कितना लेना है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। यहाँ पे भी वही लिखा है, बैलेंसिंग द मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी टू फाइनेंस द बिजनेस इन वे टू डेट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाइल मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। यहाँ पे भी दोस्तों यही बताया गया कि आपको डेप्ट और जो इक्विटी का जो फाइनेंस है उसको आपको एकदम मिनिमाइज करके रखना है, ज्यादा लोन वोन वगैरह पे ध्यान नहीं देना, जितना कंपनी का प्रॉफिट हो उसी के देखते हुए धीरे 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 अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका भी आपको एक मेन यहाँ पे रेशियो बना के चलना पड़ेगा। जो छठा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है वो लिखा है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी एक फाइनेंशियल गोल होता है कि हाँ कोई भी कंपनी अपने रिस्क मैनेजमेंट मतलब फाइनेंशियल रिस्क की फ्यूचरिस्टिक करे या फिर उस पर काम करे। यहाँ पे मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मिटिगेटिंग फाइनेंशियल रिस्क दैट कुड बी इंपैक्ट द बिजनेस सच एज मार्केट फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस और क्रेडिट रिस्क। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि फ्यूचर में हमको क्या रिस्क हो सकता है, पैसे से रिलेटेड मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन आ गया, इन्फ्लेशन वगैरह आ गया, डिफ्लेशन वगैरह आ गया, उस समय आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस हो जाते हैं अगर आप लोन लेते हैं या आपके ऊपर डेप्ट वगैरह है तो उसमें प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी क्रेडिट रिस्क में इशू होने लगता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपकी जो मैं बात कर लिया है यहाँ पे एक एक करके पांचों की हो गई आपकी फाइनेंशियल गोल। आगे हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में कि फाइनेंस फंक्शन बताता क्या क्या है, हमको करना क्या क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके इस पे भी ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने दिया है पहला फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। हमारा पहला जो फंक्शन होता है फाइनेंस का वो होता है हमारा प्लानिंग करना फाइनेंस की और फोरकास्टिंग करना। डेवलपिंग फाइनेंशियल प्लान एंड बजट टू गाइड द कंपनी फ्यूचर एक्टिविटीज, दिस इंक्लूड फॉरकास्टिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल नीड्स। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया पहले ही फंक्शन में कि हमको क्या करना है, कंपनी को क्या करना है, ऐसा एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है, ठीक है, जो कंपनी को बजट और उस कंपनी को गाइडेंस दे पाए कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे चलना है, हमको यहाँ पे इतने पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इतने रेवेन्यू की जरूरत पड़ सकती है और हमारा एक पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो पहला काम तो आपको पहले यही करना है, पहले प्लानिंग करना है और फोरकास्टिंग करना है, किसकी, फाइनेंस की। दूसरा जो इसमें फंक्शन दिया गया वो दिया गया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, हमको जो हमारे इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेजमेंट मतलब हमको कहाँ पे कितना अमाउंट लगाना है, शॉर्ट टर्म में कितना लगाना है,
लॉन्ग टर्म में कितना लगाना है, किस प्रोजेक्ट पे लगाना है, एसेट पे लगाना है, या हमको इन्वेस्ट करना है नई नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए, वो हमारा किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। थर्ड जो यहाँ पे मैंने दिया वो दिया है यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे दिया है वही सेम चीज है, डिटरमाइनिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग, डेप्ट इक्विटी एंड मैनेजिंग द कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर टू सपोर्ट इट्स ऑपरेशन एंड ग्रोथ। यहाँ पे हमको ये डिटरमाइन करना है कि हमारे लिए कौन सा सोर्स ऑफ फंडिंग बेस्ट होगा, या तो हम लोन लेना चाहें या जो हमारे पास इक्विटी है उससे हम पैसा लगा दें यहाँ पे, ठीक है, या फिर हमारे पास अगर कैपिटल है तो उससे पैसा लगाएं, मतलब हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए एक बढ़िया डिसीजन लेना होगा, जो कि होगा आपके फिनेंशियल डिसीजन की हमारा सोर्स पैसा आएगा कहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है आपका फिनेंसिंग डिसीजन। पहला क्या था, फाइनेंशियल प्लानिंग करना और फोरकास्टिंग करना, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, तीसरा हमको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, चौथा जो यहाँ पे मैंने दिया वो दिया यहाँ पे कैश फ्लो मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो। यहाँ पे ये दिया गया है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इंश्योर दैट द बिजनेस हैज सफिशिएंट लिक्विडिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। यहाँ पे ये दोस्तों बताया गया कि आपके बिजनेस में कैश का आना और जाना कितना है, कैसे है, उसको हमको एक मैनेज करके चलना है, ताकि जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो वो इजिली अचीव हो जाए और लॉन्ग टर्म भी हमारा गोल अचीव हो जाए, कोई ऑब्लिगेशन वगैरह इसमें ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, उस हिसाब से हमको मैनेज करना है। जो यहाँ पांचवा दिया है पॉइंट वो दिया है दोस्तों मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, ये भी एक फंक्शन होता है, रिस्क को मैनेज करना, फ्यूचर में हमारा जो रेवेन्यू हो कितना लगेगा, सपोज कि एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन आ जाता है, इन सबको हमको हटाने के लिए यहाँ पे रिस्क की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे वही लिखा, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी टू मिटिगेट देम। यहाँ पे दोस्तों यही बताया गया कि हमको एक रिस्क मैनेजमेंट करना है फाइनेंस से रिलेटेड, कि अगर फ्यूचर में हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी या कुछ मार्केट में चेंजेज हो जाता है तो हमारे पैसे पे क्या असर पड़ने वाला है, तो ये सब का एक मैनेज करना ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। छठा पॉइंट जो यहाँ पे दिया है दोस्तों दिया है मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ये एक मेन पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान समझिए। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट दैट प्रोवाइड इनसाइट इनटू द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दिस इन्फॉर्मेशन इज क्रिटिकल फॉर डिसीजन मेकिंग बाई मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी उसको हम एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उससे हमको क्या पता चलेगा, हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है, फाइनेंस का परफॉर्मेंस पता चलेगा कि हम क्या कैसे कर रहे हैं, सही है गलत है। इन सबसे क्या होगा दोस्तों, जो हमारे स्टेक होल्डर होंगे उनको भी जाहिर सी बात हम डिविडेंड वगैरह प्रॉफिट वगैरह देंगे तो उनपे भी काफी अच्छा ट्रस्ट बनेगा, तो वो लोग क्या करेंगे और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट और उसका एनालिसिस काफी मायने रखता है किसी भी कंपनी के लिए। जैसे एक अडानी साहब की बात करूं मैं आगे, तो उनकी कंपनी में एक रिपोर्ट ने पूरा पूरा कंपनी को डाउन कर दिया था, ठीक है दोस्तों। आगे हम सातवां बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आठवां जो ये आखिरी होने वाला है, सातवां टैक्स मैनेजमेंट और डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। आपको टैक्स मैनेजमेंट करना है कि हमको फ्यूचर में कितना टैक्स देना पड़ सकता है, कितने पैसे पे, इन सबको रेगुलेट करके रखना है, ताकि आपका बिजनेस इफेक्टिवली चल सके और टैक्स भी पे कर पाए, ताकि कोई भी ऑब्लिगेशन वगैरह आगे जाके आपकी कंपनी के ऊपर ना लगे। आठवां जो यहाँ पॉइंट है दोस्तों डिविडेंड पॉलिसी, ये भी काफी अच्छा है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, डिसाइडिंग हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट टू देयर शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि कंपनी को कितना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को, ये एक डिसाइड करना है कि उनके प्रॉफिट का कितना परसेंट देना है, कि वो फ्यूचर में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करें और नए नए शेयर होल्डर आपकी कंपनी से यहाँ पे इंटरेक्ट करें और उसमें आके इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो फाइनेंसी प्रॉब्लम है या फिर फाइनेंस है जो आपका मजबूत हो सके कंपनी का, और फाइनेंस मजबूत होगा जाहिर सी बात है कंपनी भी मजबूत होगी। होप करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।